हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने मनोरामा ईयरबुक की सीरीज़ को स्टार्ट की थी, तो सक्सेसफुली जो कंटेंट वन है इंडिया एंड ओल्ड, उसको कंप्लीट कर लिया है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो सारा कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद आप जस्ट जो भी नोट्स बनाना चाहते हैं मेरे आर्टिकल स्लाइड से आप बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। जब भी अगर आप मेंस एग्ज़ाम में अगर लिखना चाहते हैं तो वो सारा स्टैटिस्टिक्स, वो सारा डाटा आप इंक्लूड कर सकते हैं। और रिमाइनिंग दो तीन आर्टिकल्स थे वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक गुड टू रीड आर्टिकल्स थे। ओके, तो जो जो भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थे वो हमने कवर कर चुके हैं। तो अभी हम कंटेंट टू पे बढ़ते हैं, जिसका जो इवेंट्स के बारे में ज़्यादातर इसमें जिक्र किया गया है, जो कि कैलेंडर ऑफ इवेंट्स इंडिया रहेगा। उसके बाद कैलेंडर ऑफ इवेंट्स ओल्ड के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो पहले मैं आपको कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, जो हमारा जो महान भारत इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या इवेंट्स जो हुए थे, किन लोगों को अपॉइंट किया गया था। तो अभी जनवरी का महीना है, मतलब जो 2020 जनवरी का था उसको मैं कवर करूँगा। तो आने वाले वीडियोस में हम फरवरी, मार्च, अप्रैल टिल दिसंबर वी विल कवर। ओके, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और साथ ही साथ उस डेट में क्या क्या इवेंट हुए थे, ये दोनों में हम कवर करते चलेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से सुनिएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं तो उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, उसके बाद हम वीडियो में चल जाएंगे। ओके, तो राइट। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने अभी देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके द्वारा एग्जामिनेशनल काउंसलिंग दी जा रही है। दोस्तों, हमारा वेबसाइट को विजिट कीजिए www.proxygyan.com, उसमें आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो मैं आपको डेट वाइज और टॉपिक वाइज पढ़ाता चलूँगा, इकोनॉमिक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स रहे हैं, उसके बाद हम पॉलिटिकल पढ़ेंगे, उसके बाद कल्चरल के बारे में पढ़ेंगे, राइट, और जनरल इवेंट्स जो है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो 1 जनवरी 2020 में UIDAI, जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो उनके ज़रिए से 28 आधार सेवा केंद्र उसको एस्टैब्लिश किया गया था एंटायर इंडिया में। ओके, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट। और 8 जनवरी को आपको कैबिनेट ने नोट कर दिया गया था, मतलब अप्रूव कर दिया है उस ऑर्डिनेंस को। पहले एक ऑर्डिनेंस पास किया गया था ताकि कोल माइनिंग में हम FDI को अलाउ कर सकें। तो 8 जनवरी को इन्होंने अप्रूव कर दिया है कि अभी FDI अलो है कोल माइनिंग में। और 14 जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट दोस्तों, क्योंकि अपॉइंटमेंट से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट रहा है, माइकल देवाब्राता पात्रा जी, तो इनको एक RBI का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, नोट डाउन कर लीजिए अगर आप नोट कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तो। 15 जनवरी को अमेजोन ने ये डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अबाउट $1 billion टू डिजिटाइज दिस स्मॉल मीडियम एंड इंटरप्राइजेस इन इंडिया। ओके, तो अमेजान जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो MSME मिनिस्ट्री है, उनके साथ मिलकर इस SME को डिजिटाइज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था 15 जनवरी को। तो उसके तहत इन्होंने $1 billion इन्वेस्ट करने का वादा किया है। ओके, और नेक्स्ट जो है 22 जनवरी, इंडिया और ब्राज़ील ने एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को साइन किया गया था। ओके, फॉर द डेवलपमेंट इन द कोऑपरेशन ऑफ डिफेंस, मिलिट्री एंड मेडिकल एंड हेल्थ केयर केस में एक स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान को ये लोग साइन किए थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, अगर आप पॉलिटिकल की बात करें तो दिस आर ऑल फ्यू इंपॉर्टेंट डेट्स अबाउट इकोनॉमिक्स, बस इतने ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट रहा है 14 जनवरी, जो अपॉइंटमेंट का है। नेक्स्ट पॉलिटिकल की बात करें तो 1 जनवरी को आपको हमारे जो PM मोदी है, इन्होंने साउथ एशियन लीडर्स जो SAARC मीटिंग थी वो बुलवाई थी, और पाकिस्तान ने इसमें वादा किया था कि वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के बारे में जो भी लिस्ट है वो शेयर करेगा इंडिया के साथ। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वन रिमार्केबल डे जो 1 जनवरी को हुआ था। और 2 जनवरी इंडिया नेपाल काला पानी इशू को लेकर जो है डिस्कस कर रहे थे, हमारे जो आर्मी जनरल थे उनका भी विजिट हुआ था नेपाल के ऊपर। हमारा एक वीडियो भी बन चुका है कम्प्लीट, हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको इस वीडियो की जानकारी मिल जाएगी कि व्हाट इज़ काला पानी इशू, व्हाट इज़ टेरिटरी, इन डिटेल मैंने आपको मैप लोकेशन के साथ पढ़ा रखा है। और 4 जनवरी की बात करें तो CBI ने
जो व्यापम स्कैम था उसके रिगार्डिंग 94 कन्विक्शन को जो सिक्योर कर लिया था एक साल में, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। और 6 जनवरी की बात करें तो JNU स्टूडेंट्स और टीचर्स ने जो पुलिस के साथ जो डेमोस जो धरना हुई थी, जो मारक मारी आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया गया था जो स्टेट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट कर सकती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट जो पास किया गया था उस टाइम पर। ओके, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट करने का काम स्टेट कर सकती है। कब हुआ था ये? 6 जनवरी 2020 को। और 11 जनवरी को अगर हम देखें तो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसको लाया गया था, उसको लागू किया गया था। और ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट, इसके पर भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसके प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे और किस तरह से इनको पावर दिया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को, और इनके लिए कई सारे शेल्टर होम्स ओपन करने के लिए भी बात की गई थी। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल पे अवेलेबल है ट्रांसजेंडर बिल के बारे में। तो इस एक्ट को भी इसी तारीख को अप्लाई किया गया था, मतलब इफेक्ट में लाया गया था। ओके, सो इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको 6 और 11 जनवरी है, अच्छे से याद कर लीजिए। कभी कभार आपको एग्जाम में उसके इम्प्लीमेंटेशन का डेट भी आपको पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेट 15 जनवरी, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर जो इंटरनेट की पाबंदी लगाई गई थी वहाँ पे अभी पार्शियली रिस्टोर किया गया था, मतलब दे आर गोइंग टू लिफ्ट द बैन ऑन द इंटरनेट ऑल्सो। ओके, और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी कश्मीर सिचुएशन को लेकर डिस्कस किया था, क्योंकि क्या हो गया था उस वक्त, कई सारे जो फॉरेन कंट्रीज़ थे, इवन टर्की ने भी और दूसरे कई सारे कंट्रीज़ ने भी इस हमारे जो इंटरनल मैटर को लेकर आलोचनाएं की थी, जो आप हमने जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया था तो वहाँ पे कई सारे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं बोल के, इसी तरह कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में आवाज़ उठाई गई थी। वह डिफरेंट कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान तो ऑब्वियसली रहेगा ही, उसके अलावा जो टर्की है और कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, बट एनी हो जो गल्फ कंट्रीज़ थे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, जो UAE, अबू धाबी, जो सऊदी है उन्होंने हमारे फेवर में बात की है। बट दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट डेट, आप याद कर ले सकते हैं। तो 19 जनवरी जो है पार्लियामेंट में एक रिपोर्ट सबमिट की गई थी रिगार्डिंग ऑन 6th शेड्यूल। ओके, और CBI ने एक जो BSF में एक रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था उसकी जो है कंडक्ट जो सर्च करना शुरू चालू कर दिया गया था 19 जनवरी को। और 20 जनवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुआ है। ओके, तो पहली बात, AP कैबिनेट क्लियर करता है 3 कैपिटल प्रपोजल को। आप सभी लोग जानते हैं AP में 3 कैपिटल है। ओके, एक अमरावती है, दूसरा वाइजाक है विशाखापट्टनम, और तीसरा कर्नूल है। एक्चुअली आई बेसिकली बिलोंग टू कर्नूल ओनली, मैं वहाँ पे मेरी स्कूलिंग हुई थी। तो कर्नूल जो है जुडिशियल कैपिटल बनाया गया था, राइट, और एग्जीक्यूटिव कैपिटल आई थिंक विशाखापट्टनम, और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल अमरावती, कुछ ऐसा बनाया गया था। बट कर्नूल इज़ ए जुडिशियल कैपिटल, इतना मुझे पता है क्योंकि मेरा होम टाउन है। और उसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुआ था कि JP नड्डा जो है एक BJP के प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। ओके, सो BJP के प्रेसिडेंट को JP नड्डा जो है इनको अपॉइंट किया गया था। और 21 जनवरी को हमारे जो प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं और नेपालीज के जो काउंटर पार्ट, इन्होंने एक चेक पोस्ट को भी इनाग्रेट किया गया था जोगबानी बीरतनगर। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 20th जनवरी एंड 21st जनवरी, आई थिंक दिस आर द टू इंपॉर्टेंट डेट्स विच नीड्स टू बी रिमेम्बर। तो लेट्स मूव ऑन, नेक्स्ट इज 23rd जनवरी दोस्तों। तो ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात करें तो इंडिया का जो रैंक था वो 2 प्लेसेस गिर चुका था। ओके, सो अभी इंडिया का रैंक आई थिंक 85th रैंक है इन का ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स, जो कि हर साल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। इसके रिलीजिंग अथॉरिटी को भी याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और उसके बाद 27 जनवरी आती है और यहाँ पे एक हिस्टोरिक एक अग्रीमेंट साइन होता है, नथिंग बट बोडो पीस अकॉर्ड, जो कि नागालैंड रिलेटेड इश्यूज, वहाँ पे सेपरेट कंट्री करने की मांग कई सालों से चलती आ रही थी। तो वहाँ के गवर्नर मिलकर और वहाँ की जो गवर्नमेंट है और बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एक बोडो पीस अकॉर्ड साइन किया गया है, इसके पर भी वीडियो बना हुआ है, इन डिटेल आपको देख सकते हैं। और 30th जनवरी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल रिमार्केबल डेट, आप भूलेगा मत इसमें। ओके, इंडिया में पहली बार जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन पाया गया था, कन्फर्म हुआ था केरला में, इसके बाद इस तरह से नचाया ये छोटा वायरस, सारे दुनिया को, सारे इंडिया को लॉकडाउन में ला दिया। ओके, सो 30 जनवरी इज द डेट वेयर द इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस इन्फेक्शन कन्फर्म इन केरला। नेक्स्ट 31st जनवरी, 31st जनवरी इसके बाद क्या होता है, हमारे जो कई सारे ऐसे सिटीजन्स हैं जो चाइना वुहान सिटी में अटक गए थे,
जो कई सारे एजुकेशन पर्पस के लिए गए, कोई बिजनेस पर्पस के लिए काम कर रहे थे वहाँ पे, तो उनको इवैक्यूएट किया गया था थ्रू एयर इंडिया के, एयर इंडिया एयरलाइंस से यूज़ करके इनको 366 सिटीजन्स को वहाँ पे इवैक्यूएट किया गया था। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन दोस्तों। उसके बाद कई सारे जो है ऑपरेशन भी किए गए उनको बचाने के लिए। और नेक्स्ट हो गया सोशियो कल्चर के। तो अभी तक हमने इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल इवेंट्स को, जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जनवरी के महीने में जो हुए थे 2020 में, उसको हमने कवर कर लिया है। और सोशियो कल्चरल की बात करें, सिर्फ दो इम्पोर्टेंट ऐसे इवेंट्स हैं जो आपको ज़रूर पर ज़रूर याद करने ही चाहिए, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं है। के 2 जनवरी को वेस्ट बंगाल का जो टैबलू था उसको रिपब्लिक डे परेड से निकाल दिया गया था, मतलब नॉट इंक्लूडेड। और इस बार जो जीता था 21st, मतलब मैं 2021 की बात कर रहा हूँ, नॉट इन 2020। इस बार जो टैबलू का अवार्ड दिया गया था, बेस्ट टैबलू इन द रिपब्लिक डे परेड इज यूपी के, जो राम मंदिर जो अयोध्या का उन्होंने डिस्प्ले किया था उसको बेस्ट टैबलू अवार्ड दिया गया था इन 2021। डोंट कन्फ्यूज, ओके, अभी जो है 2020 की बात कर रहा हूँ। ओके, और 14 जनवरी को जो एक ओडिया के फिल्म मेकर है मनमोहन महापात्रा, इनकी मृत्यु हो गई थी। एक 69 ईयर्स के थे जब मृत्यु हो गई थी इनकी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्विचरीज के बारे में आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो चलिए साइंस के रिलेटेड क्या हुआ है इवेंट्स ये भी हम जान लेते हैं। तो 17 जनवरी को GSAT-30 सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया था दोस्तों, आफ्टर सो मेनी फेल्यूर्स इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था 17 जनवरी को। एंड नेक्स्ट 2 दिन बाद इंडिया ने एक टेस्ट फायर बैलिस्टिक मिसाइल को भी जो है टेस्ट किया था, K-4 इसका नाम था। ओके, रिमेंबर बैलिस्टिक मिसाइल जो है K-4, इसको भी टेस्ट किया गया था 19 जनवरी। नेक्स्ट अगर जनरल इश्यूज की अगर बात करें, सो आई थिंक इट वॉज रिपीटेड, सॉरी, सो इट वॉज द सेम स्लाइड दोस्तों। ओके, तो दिस आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स जो अभी हुए थे जनवरी के महीने में। तो जो मैंने इम्पॉर्टेंट डेट्स थे आपके लिए बता दिए हैं, अब अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि लास्ट 1 ईयर करेंट अफेयर याद रखना भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आजकल GK इतना वैस्ट हो चुका है और एग्जामिनर्स भी जो है आजकल इतने डीप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आपको डेट्स से बहुत काम आएंगे SSC बैंकिंग एग्जाम्स में। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।